नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। शास्त्रों और पुराणों में देखे शिव और शनि के बीच शिष्य और गुरु का संबंध बताया गया है। एक ओर सृष्टि के संहारक शिव और दूसरी तरफ सृष्टि के न्यायाधीश शनि। कहते हैं कि शनि को कर्म फल दाता का दायित्व शिव के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है। पुरानी कथा कहती है, जब ग्रहों के राजा सूर्य देव ने अपने ही पुत्र शनि का तिरस्कार किया, शनि के श्याम वर्ण को देख अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि ये मेरा पुत्र नहीं है। इस तिरस्कार से आहत शनि ने शिव की घोर तपस्या की और शनि की इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम पृथ्वी लोक के न्यायाधीश और दंडकारी रहोगे। तुम ही लोगों को कर्मों के अनुसार उन्हें न्याय और दंड दोगे। और तब से लेकर आज तक देखिए, देव दानव से लेकर मनुष्यों के कर्मों अनुसार शनि उन्हें फल देते आए हैं। और शायद यही वजह है कि शनि का देखिए नाम लेते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि कर्म फलदाता की टेढ़ी दृष्टि कब किस पर पड़ जाए कोई नहीं जानता। ज्योतिष कहता है कि शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका प्रभाव हर इंसान के जीवन पर पड़ता है। अमूमन शनि की साढ़े साती से तो देखिए हर कोई खौफ खाता है, लेकिन असल में साढ़े साती से डरने की जरूरत नहीं है। असल में शनि की साढ़े साती देखिए तीन हिस्सों में होती है, जिसका अंतराल 2 साल 6 महीने का होता है। तथ्यों पर अगर जाएं तो शनि का मकसद व्यक्ति को जीवन भर के लिए सीख देना होता है। साढ़े साती के पहले हिस्से में शनि व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करता है। दूसरे हिस्से में आर्थिक, शारीरिक, विश्वास इत्यादि रूप में क्षति पहुंचाता है। और तीसरे हिस्से में शनि महाराज अपने कारण जो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करते हैं। ये वो समय होता है जब व्यक्ति को सत्य का ज्ञान होता है। वहीं जब देखिए किसी राशि में 2.5 वर्ष के लिए शनि आते हैं तो उस स्थिति को शनि की ढैया कहा जाता है। माना जाता है कि जब शनि की ढैया आरंभ होती है तो व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ढैया में ही देखिए शनि व्यक्ति के धन, सेहत, करियर और जॉब बिजनेस के साथ साथ देखिए रिश्तों को भी प्रभावित करते हैं। अब यूँ तो देखिए शनि को प्रसन्न करने के बहुत सारे उपाय हैं, उनकी पूजा पाठ है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे फूल के बारे में बताने जा रहे हैं जो शनि को विशेष कर चढ़ाया जाता है। देखिए हिंदू धर्म में फूलों का क्या महत्व है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि धार्मिक अनुष्ठान हो, पूजन हो या फिर देखिए आरती। हिंदू सनातनी धर्म से जुड़े प्रत्येक कार्य में फूलों का उपयोग होता है। और जिस प्रकार देखिए नारायण को गेंदा, माँ लक्ष्मी को कमल, माँ दुर्गा को अड़हुल, माँ सरस्वती को पीले गेंदे के फूल चढ़ाए जाते हैं और शिव को देखिए धतूरे के फूल चढ़ाए जाते हैं, ठीक वैसे ही शनि को आग के फूल सबसे ज्यादा भाते हैं। धार्मिक मान्यता कहती है कि आग पौधे में स्वयं बुद्धि प्रदाता भगवान गणेश का वास होता है, इसलिए ये पौधा शनि के साथ साथ महादेव को भी अत्यंत प्रिय है। यदि इसके सफेद पुष्प महादेव या फिर शनि को समर्पित किए जाएं तो ये बहुत जल्द प्रसन्न होकर भक्त की मुराद को पूरा करते हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो इस पौधे को शुभ मुहूर्त में घर में लगा देना चाहिए तो तमाम जटिल परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। तो इसका इस्तेमाल टोने टोटके और बुरी नजर से बचाने में भी किया जाता है। कहते हैं कि रवि पुष्य योग में इस पौधे को देखिए घर के दरवाजे पर लगाने से ये परिवार को बुरी नजर से बचाता है। मान्यता तो ये भी कहती है कि जब ये पौधा घर पर रहता है तब तक घर में किसी भी तरह के टोने टोटके, तंत्र मंत्र वगैरह का असर बिल्कुल नहीं होता। बुरी आत्माएं, दुर्भाग्य और बुरे ग्रहों की दृष्टि भी परिवार पर नहीं पड़ती है। और कहा तो ये भी जाता है कि अगर किसी स्त्री को किसी परेशानी के चलते संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो रविवार को पुष्य नक्षत्र में इस पौधे की जड़ को अपनी कमर में बांध लें और इससे उसे माँ बनने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। वहीं अगर परिवार में देखिए एक के बाद एक परेशानियां आपको घेर रही हैं तो इस पौधे की जड़ को अभिमंत्रित करके दाएं भुजा पर बांधें और साथ ही नियमित रूप से गणेश जी का सौभाग्य वर्धक स्रोत का जाप करें और इससे देखिए सोया हुआ भाग्य फिर से जाग जाता है।